नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जय भगवान आपका जेबी सोशल साइंसेस क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप कक्षा दसवीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पाठ चार कृषि के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पसंद आएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज आप दसवीं कक्षा की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पाठ चार कृषि के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को हम करेंगे। तो पहले जो प्रश्न है वो MCQ है। इसमें हम पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं क्या है, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी और गहन कृषि। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है रोपण कृषि। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो इसका जो आंसर है वो है चना। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, दालें, मोटा अनाज, ज्वार, तिल। तो इसका आंसर है दालें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, क्या विकल्प है, अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसका आंसर है न्यूनतम सहायता मूल्य। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दें। इसका उत्तर है चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोषण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी से तथा सुगम जल निकाय वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। दूसरा भाग है, प्रश्न दो का दूसरा भाग है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यदि पैदा की जाती है तो उन क्षेत्रों का विवरण दें। गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। ये देश के उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। गेहूं उगाने के लिए दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले राज्य हैं। प्रश्न दो का तीसरा प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर है प्रश्न तीसरे का दो का कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम हैं, पहला जोतों की चकबंदी, नंबर दूसरा जमींदारी प्रथा की समाप्ति, नंबर तीसरा अधिक उपज देने वाले बीजों द्वारा हरित क्रांति, नंबर चार पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, पांचवा है बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, छठा है किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई, सातवा है किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई, आठवां पॉइंट है आकाशवाणी और दूरदर्शन पर
विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित की गई। नौवां पॉइंट है, किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करती है। और दसवां पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न दूसरे का चौथा भाग, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो गई है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों को मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि कृषि भूमि आती है और इससे जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रश्न दो के चार भाग थे जिनका 30 शब्दों में आंसर देना था। अब प्रश्न नंबर 3 है, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, तीसरे का पहला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए, सुझाइए। इसका उत्तर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं। वो सुधार है, नंबर 1, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों का मतलब जो जमीन पर खेती कर रहे थे को जमीन का मालिकाना हक दे दिया और जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। दूसरा है खेतों की चकबंदी। पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए सब छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई, अर्थात जो किसान जमीन को जोत बो रहा था वो उसी के नाम कर दी गई। नंबर 3, हरित क्रांति। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए जिससे कृषि विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। चौथा पॉइंट है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण। किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। पांचवा पॉइंट है, फसल बीमा। इनकी फसलों प्राय सूखा, बाढ़, आग आदि के कारण नष्ट हो जाती थी जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा लगा जिससे उसे सुरक्षा प्राप्त हुई। छठा पॉइंट है, सरकारी संस्थाएं किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण कर्जा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों जो किसानों को ब्याज मोटे ब्याज पर पैसा उधार देते थे, रुपए उधार देते थे, उनके चंगुलों से बचाती हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। सातवां पॉइंट है, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी शुरू की गई है। पॉइंट 8, किसानों को बिचौलियों के जो दलाल होते थे के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य
की सरकार घोषणा करती है। नौवां पॉइंट है, खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। पॉइंट 10, भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। अब प्रश्न तीसरे का दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है, वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है कि विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीजें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीजें ही बाजार में टिक सकी हैं। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कि नंबर 1, भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात मतलब जब हम अपने देश की चीज दूसरे देश में भेजते हैं उसे निर्यात कहते हैं, निर्यात कर अपनी जरूरत का सामान खरीदने लगा। नंबर 2, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीजों का उत्पादन अधिक होने लगा। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता क्वालिटी व स्तर बढ़ाने की कोशिश की। नंबर 4, वैश्वीकरण के कारण ग्लोबलाइजेशन के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीजें को दूसरे देश में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 5, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीजों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं थी। अब वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े जो कि निम्नलिखित हैं। विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों डेवलपिंग कंट्रीज में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों से के किसान उनका मुकाबला ना कर सके तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। नंबर 2, विश्व के धनी देश निर्धन देशों में सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, विश्व के वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में नहीं टिक पाई। नंबर 4, कृषि के वैश्वीकरण ने ग्लोबलाइजेशन ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया, किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी, ना कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीजों का उत्पादन किया। कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटिश का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकासशील देशों में डेवलपिंग कंट्री में स्पर्धा कंपटीशन करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की भी स्थिति सुधारनी पड़ेगी। प्रश्न तीसरे का तीसरा प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। उत्तर है, भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होना चाहिए और आर्द्रता यानी कि वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है जो बहुत खर्चीला होता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है क्योंकि वहां पर पानी खूब होता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना
संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर ही उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। तो विद्यार्थियों, आपका होमवर्क है कि आपने भारत के नक्शे में गेहूं उत्पादक राज्य, चावल उत्पादक राज्य और दूसरे नक्शे में भारत की खरीफ फसलें और रबी की फसलों को दिखाना है।